सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, आज मैं एक और गौरवशाली राजवंश की गौरव गाथा को लेकर आपके बीच में आया हूं और उस राजवंश का नाम है लोधी राजपूत राजवंश, जिसे पूरे भारत में कहीं किसान कहा जाता है, कहीं एलआर कहा जाता है, कहीं अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, ये लोधी राजपूत राजवंश बहुत ही पुराना राजवंश है। इस राजवंश ने जम्बूद्वीप में, परतंत्र भारत में बहुत सारे रजवाड़ों का नेतृत्व किया है, अर्थात ये राजवंश कई बार राजा रहा है। ये जाति मध्य प्रदेश के कई भागों में, उत्तर प्रदेश के कई भागों में और उत्तराखंड के कई भागों में और हरियाणा के कई भागों में जमींदार रही और जिनके पास बड़े बड़े रजवाड़े रहे। आज मैं इस ऐतिहासिक गुणगान के दौरान उन राजाओं का नाम लेना चाहता हूं जिन्हें भारतीय इतिहास ने अपना राजा सजो करके रखा है। ध्यान दीजिए, पहले राजा हुए इस राजवंश के जगन्नाथ सिंह लोधी, महाराजा गज सिंह लोधी, महाराजा विक्रमजीत लोधी, महाराजा हृदय शाह लोधी, राजा ईश्वर सिंह लोधी, राजा दीवान सिंह लोधी, महाराजा छवि राय लोधी, राजा ब्रह्म स्वरूप जी, ये तमाम वो लोग हैं जो इस देश भारत में अलग अलग भावों के बड़े बड़े जमींदार लोधी राजपूत परिवार के राजा रहे। ये जाति, ये राजवंश हमेशा अंधविश्वास पाखंड से मुक्त रहा। ये लोग हमेशा श्रमण परंपरा के लोग रहे, ये लोग कभी भी हिंसक नहीं रहे, इसलिए आज भी लोधी राजपूत परिवार में मांसाहार निषेध है। ये लोग पहले भी शाकाहारी थे, लगभग आज भी ज्यादातर शाकाहारी पाए जाते हैं। जैसा कि इतिहास बताता है कि ये लोग पहले राजा रजवाड़ों में हुआ करते थे, आजकल ये जानवर पालने में, खेती किसानी करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, अर्थात वर्तमान में स्थापित लोगों ने उन्हें इस हाशिए पर धकेल दिया होगा, ऐसा कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, इस राजवंश में महारानी अवंतीबाई लोधी पैदा हुई। कहा जाता है कि इन्होंने अंग्रेजों के साथ बहुत गजब का युद्ध लड़ा। जब इनके रजवाड़े के लगभग सभी लोग युद्ध में मारे गए तो रानी ने स्वयं तलवार उठा लेती हैं और अंग्रेजों के साथ लड़ती हैं। जब उन्हें लगता है कि अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार कर लेगा तो महारानी दुर्गावती की नकल पर, उनके आदेश पर चलकर वह स्वयं अपने साथी से तलवार लेकर अपनी हत्या कर लेती हैं, अर्थात वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं, शहीद हो जाती हैं। उस समय उनके शब्द होते हैं कि अंग्रेजों, तुम इस रानी के शरीर को छू नहीं सकते हो। इतने ज्यादा देश के लिए, राष्ट्र के लिए भक्ति इन लोगों में पाई गई। हालांकि इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत सारे राजाओं का जिक्र है, बहुत सारे रजवाड़ों का जिक्र है, लेकिन मैं बहुत खास खास बात आपके बीच में करूंगा। इसके बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी इस परिवार में पैदा हुए, आप सभी लोग जानते हैं। वह सांसद थे, चरखारी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, ये राठ पूरा क्षेत्र उनका था। वो जनसंघ के सांसद हुए, बाद में वो इंदिरा गांधी जी के साथ चले गए और इंदिरा गांधी जी को वो बेटी कहा करते थे, इतना ज्यादा उनका सम्मान था। आज भी उन्होंने पूजा पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया, उन्होंने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। आज भी आप चले जाइए उनकी जन्मभूमि में, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस बने हैं जो आज आम जनमानस को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस परिवार में एक और नाम है, माता दीन लोधा। उन्नाव कानपुर की घटना है, भारत के तिरंगा झंडे को लहराने में, अंग्रेजों से लड़ने में और इस राष्ट्र की भक्ति के प्रति अपने प्राण न्योछावर करने में माता दीन लोधा का बहुत बड़ा नाम इतिहास में सम्मान से लिया जाता है। इतना ही नहीं, ये जाति, ये वंश, ये खानदान, ये राज परिवार उड़ीसा और बंगाल में अनुसूचित जनजाति में शामिल है। वहां संख्या कम है तो उसे अनुसूचित जनजाति में रखा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और कह सकते हैं कि हरियाणा में, उत्तराखंड में बहुतायत संख्या में ये लोग रहते हैं, इसलिए यहां ओबीसी अति पिछड़े में इनको जोड़ा जाता है। लेकिन ये राजवंश रहा। छत्री का शाब्दिक अर्थ हम समझा दें आप लोगों को, पाली भाषा में खत्ती शब्द था,
और खत्तीय का मतलब था जमींदार, खेती बाड़ी वाला, अर्थात वही व्यक्ति, यही शब्द आगे चलकर के छत्री बना, अर्थात ये राजवंश क्षत्रिय राजवंश है, खेती बाड़ी वाला है। इन्होंने देश को संभाला है, देश को स्वर्णिम पहुंचाया है, इन्होंने हक वंचित असहाय कमजोर लोगों के साथ खड़े होकर हमेशा जुल्म के साथ डटकर मुकाबला किया है। ये राजवंश बहुत बड़ा राजवंश है। इतना ही नहीं, इस राजवंश में कल्याण सिंह बाबूजी ने जन्म लिया, इस राजवंश में उमा भारती ने जन्म लिया, इस राजवंश में प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने जन्म लिया, इस राजवंश में डॉक्टर भारत सिंह जो PIIT के मालिक है उन्होंने जन्म लिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब देश आपने संभाला, देश को स्वर्णिम आपने बनाया, देश के लिए कुर्बानियां आपने दी, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वर्तमान की संवैधानिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं आपके, हाई कोर्ट में जज कितने हैं आपके, राज्यपाल कितने आपके, दूतावास में आप लोग कितने हो, मुख्यमंत्री कितनी बार बनने का आपको मौका मिला, इवन अयोध्या में राम मंदिर का जो न्यास बना है जिसे हम ट्रस्ट कहते हैं, उस ट्रस्ट में आखिर आपको सदस्य क्यों नहीं बनाया गया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज अगर ये परिवार, ये राजवंश, ये ऐतिहासिक राजवंश आज भी अपने पुरखों की यादों को ताजा करे, उनके पौरुष को पहचाने, तो आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोधी राजवंश शासक बन सकता है और अपने सभी भाइयों को साथ लेकर अपने पुरखों की तरह ये शासक बन सकता है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये लोग ईमानदार हैं, भले हैं, अच्छे हैं, बहादुर हैं, ये जहां हैं वह ईमानदारी से लगे हैं। अगर ये खेती भी करते हैं तो ईमानदारी से खेती करते हैं, और जहां हैं ईमानदारी इनका आभूषण है, ईमानदारी इनकी पोशाक है। इनकी गिनती पूरे भारत में भले लोगों में की जाती है, हालांकि ये पुराने शासक थे, लेकिन मैं अपील करता हूं, ये बुद्ध का भारत, ये श्रमण भारत आज आपको पुकार रहा है। आओ एक बार फिर जागरूक होकर, इकट्ठा होकर, मैं आपको देश का शासक के रूप में देखना चाहता हूं, मैं आपको देश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं, मैं आपको बड़े बड़े पदों पर सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज देखना चाहता हूं। मेरी इच्छा है आप लोग आए, जागरूक हों, और जागरूक होकर सबको साथ लेकर भारत की पुनः कमाल संभालें, जैसे अपने पुरखों ने संभाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।